सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वेदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। गल करांगे 31 अगस्त दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, 1500 रुपये महीना पेंशन खातियां च आवेगी जां चैक राहीं मिलेगी। पंजाब सरकार वल्लों जारी ताज़ा अपडेट। सूबे च विधानसभा चोणां नेड़े आउंदिआं ही पेंशन दी रकम नूं सरकार ने 750 रुपये तों वधा के 1500 रुपये कर दिता है, पर इस दा सियासी ढोल वजाउण लई अगस्त महीने बैंक च जाण वाली पेंशन इस बारे चैक राहीं वंडी जावेगी तां जो सब नूं पता लग सके कि पेंशन दी रकम नूं 1500 रुपये कर दिता है। जुलाई महीने तक हर बार पेंशन खात्यां च ही जमां हुंदी रही, पर इस बार इह हुण तक लोकां नूं नसीब नहीं होई। हालांकि विभाग दे अधिकारियां दा दावा है कि सारे लोकां नूं चैक नहीं दित्ते जाण, पर फिर भी विभाग वालों अपनी तैयारी की जा रही है। दूजे पासे बठिंडा जिले च 6 विधानसभा हलके हैं जिथे हर हलके च घट्टो घट 15-15 लोगों नूं चैक दिते जाणगे। इस तों बाद बाकी लोगों के खात्यां च ही पेंशन पाउण दा दावा किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च गुम ने 3 टिफिन बंब वड्डी घटना नूं अंजाम दे सकदे ने 70 स्लीपर सैल। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। विदेशों में बैठे अतवादी त्यौहारों के सीजन में पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दे मद्देनज़र पंजाब पुलिस ने लोगों लई एडवाइजरी जारी करते हुए सुचेत रहने लई कहा है। NIA और देश दी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट अनुसार पंजाब में लगभग 70 स्लीपर सैल सरगर्म हैं। पंजाब के जलंधर और भारत पाकिस्तान सरहद से फड़े गए टिफिन बंब भी पुलिस लई बुझारत बने हुए हैं। जलंधर तो फड़े गए साबका जथेदार के पुत्र गुरमुख सिंह रोडे ने पुलिस को पूछगिछ दौरान दस है कि उसने 3 टिफिन बंब अगे किसी होर नूं दित्ते हन, जबकि पुलिस अजे तक इन्हां नूं बरामद नहीं कर सकी है। यह पंजाब विच काम कर रहे स्लीपर सैल के हाथ लगन की संभावना जताई जा रही है, इसलिए फिलहाल पुलिस लोगों नूं सुचेत करन दी स्थिति विच है। NIA की टीम गुरमुख सिंह रोडे तो लगातार पुछगिछ कर रही है। NIA ने पुछगिछ दौरान मिले सुरागों तो बाद पंजाब पुलिस नूं कुछ पहलुओं की जांच के निर्देश दिते हैं, जिस तों बाद पुलिस पंजाब विच लुके हुए स्लीपर सैल लभण की कोशिश कर रही है। अगली खबर दोस्तों, अमृतसर के पुतली घर बाजार च दुकानदारां दे नजायज कब्जे की भरमार, लोग हो रहे परेशान। अमृतसर नगर निगम की इजाजत तो बिना शहर की दुकाना अते सड़कां दे बाहर फुटपाथ ते कोई भी नजायज कब्जा नहीं कर सकता, पर शहर के पुतली घर बाजार विच दुकानदारां दे कब्जा कारण 80 तों 100 फुट चौड़ी सड़क तकरीबन हुण 15 तों 20 फुट चौड़ी ही रह गई है। बाजार च कई दुकानदारां ने अपनी दुकान के बाहर भी समान रख्या होया है अते रेहड़ियां भी लगवा रखियां हन। सड़क ते रेहड़ियां होण नाल वाहन चालकां नूं कई वार दिक्कतां दा भी सामना करना पैंदा है। कई दुकानदारां ते वख-वख खाण पीण दीआं रेहड़ियां लै के पैसे वसूलदे हन। पुलिस ने भी दुकानदारां नाल कई वार गलबात कीती, पर दुकानदार पुलिस दी उस वक्त तां गल मन लैंदे हन, पर बाद विच फिर उही हाल हो जांदा है। जे गल करिए पुतली घर चौंक तों राम तीर्थ रोड अते इस्लामाबाद नूं जाण वाली सड़क दा भी इही हाल है। कई दुकानदारां ने तां अपनी दुकान सड़क ते ही 4 तों 5 फुट अगे वधाई होई है, जबकि राम तीर्थ रोड नूं जाण वाली सड़क तां बिल्कुल ही सुंगड़ गई है। उधर नगर निगम दा लैंड विभाग भी इस वल गौर नहीं कर रहा। नगर निगम सख्ती नाल काम करे तां कि यह मुश्किल जल्द हल हो सके। अगली खबर दोस्तों, जलंधर च दिल दिला देने वाली वारदात, मामूली विवाद तो बाद जनानी नूं तेजाब पा साड़िया। जलंधर शहर में एक दिल दिलाउण वाली वारदात सामने आई है। एक फैक्ट्री में काम करने वाली जनानी उपर एक व्यक्ति वालों तेजाब सुट दिता गया। मिली जानकारी मुताबक 27 साल राय रानी फोकल पॉइंट स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है। सवेरे जदों वह अपने काम से गई तो उत्थे उसकी एक व्यक्ति के नाल तकरार हो गई, जिस तों बाद उस व्यक्ति ने उसते तेजाब नाल हमला कर दिता। तेजाबी हमले कारण राय रानी बुरी तरह झुलस गई। इस दौरान फैक्ट्री के बाकी वर्करां वालों उस नूं जलंधर के सिविल हस्पताल विच लिया गया, जिथे उसका इलाज चल रहा है। इस घटना बारे जानकारी देंदे हुए राय रानी की नौ मनीषा ने दसिया कि राय रानी की फैक्ट्री विच ही एक व्यक्ति नाल लड़ाई हो गई सी, उसे ने राय रानी ते तेजाब सुट दिता ते फरार हो गया। इसकी सूचना संबंधित थाने नूं भी दे दी गई है। इस बारे जदों सिविल हस्पताल के डाक्टरां नाल गलबात की गई तो उन्होंने दसिया कि राय रानी की हालत नाजुक है और उसका इलाज किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, लुधियाणा च विंटेज नंबर वाली गड्डियां दे अज तों कट्टे जाणगे चलान। फैंसी नंबर हटा के लगाउणा होवेगा सीरियल नंबर।
पंजाब 6000 तो वध विंटेज नंबर वाले वाहन हैं, जिन्हों चों काफ़ी वाहनों की डिटेल ऑनलाइन अपलोड नहीं हुई है। इस नाल दोषी विंटेज नंबर प्लेट लगा के वारदात कर जाते हैं, उन्हां तक पहुँचने च पुलिस नूं काफ़ी मशक्कत करनी पैंदी है। पिछले महीने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशन ने हरेक जिले के RTA नूं ऑर्डर जारी किए सन कि विंटेज नंबर नूं ब्लॉक किया जाए ताकि पुलिस विंटेज नंबर वाली गड्डियां दे चलान कर सके। पहले नंबर ते लुधियाना च 2500, दूजे नंबर ते जलंधर च 1673, तीजे नंबर ते अमृतसर च 1047 विंटेज नंबर वाले वाहन हैं। विंटेज नंबर ज़्यादातर मंत्रियों, MP, MLA अते कई रसूखदारां ने अपनियां महंगियां गड्डियां ते लगवाए हुए हैं। RTA सकत्तर हरप्रीत सिंह अटवाल ने दस्सिया कि उन्हां कोल नोटिफिकेशन आ गया है, हुण ओह अलग अलग चौंकां ते नाके लगा के विंटेज नंबर वाली गड्डियां नूं रोक के चलान कट्टणगे। इस तों इलावा यह भी पता किया जाएगा कि होर किन्ने अजिहे वाहन हैं जिन्हां ते विंटेज नंबर लगे हुए हैं। अगली खबर दोस्तों, अनमोल गगनमान की बिगड़ी सेहत, मोहाली के हस्पताल च करवाया दाखिल। पंजाब की उगी गायक ते महिला विंग की प्रधान अनमोल गगनमान नूं लैके अहम खबर सामने आई है। देश भर च औरतों ते हो रहे हमलों ते वध रहियां बदसलूकियां दीआं घटनावां खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब वल्लों ऐतवार नूं पंजाब भाजपा के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर का घिराओ करन की कोशिश की गई, जिस मगरों पुलिस ने भीड़ नूं खदेड़न लई वाटर कैनन चलाए अते हल्के बल का प्रयोग भी किया। इस दौरान अनमोल गगनमान नूं गंभीर सट्टां लगियां, जिस कारण उन्हां नूं हस्पताल दाखिल करवाउणा पिया। दस्सिया जा रहा है कि अनमोल गगनमान नूं मोहाली दे एक निजी हस्पताल च दाखिल करवाया गया है। इस दौरान अनमोल गगनमान ते पानी दीआं विछाड़ा कीतियां गईयां, जिस उपरंत उसकी सेहत खराब हो गई अते उसनूं उल्टियां आउण लगियां। यह सब वेख के उसनूं मोहाली दे हस्पताल च दाखिल करवाया गया। अगली खबर दोस्तों, किसानां ने अमृतसर जम्मू नैशनल हाईवे कीता जाम, माहौल खराब होण दी दित्ती चेतावनी। हरियाणा अते अमृतसर च किसानां ते पुलिस वल्लों कीते गए लाठीचार्ज दे विरोध च किसान जथेबंदियां दे वल्लों अमृतसर जम्मू नैशनल हाईवे नूं जाम करके प्रदर्शन कीता गया। माझा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। किसानों का कहना सी कि किसानों वालों आराम नाल प्रदर्शन किया जा रहा है, पर सरकार वालों सानू दबाने की कोशिश की जा रही है। हाईवे प्रदर्शन होने करके दूर दूर तक वाहनों की लाइन लग गई। इस दौरान बसा और निजी वाहनों च बैठे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। माझा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान गुरप्रीत सिंह, हरमन सिंह, जसविंदर सिंह और पुलविंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा और अमृतसर च जो घटनावां हुई हैं असी इसकी कड़ी निंदा करते हाँ। उन्होंने कहा कि सरकारां दे कहन ते पुलिस ने यह सब किया है। हरियाणा की खट्टर अते पंजाब की कैप्टन सरकार ने किसानां नाल जो धक्का किया है असी उस दे विरोध च 2 घंटे लई हाईवे जाम किया है। उन्होंने सरकारां नूं चेतावनी दिंदे हुए कहा कि सरकारां ने जो वारदात की है असी इस नूं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करांगे। उन्होंने कहा कि जेकर अगे तो सरकार वालों इस तरह की कोई घटना नूं अंजाम दिता गया तो फिर माहौल भी खराब हो सकता है। इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अगली खबर दोस्तों, सिद्धू ने कैप्टन सरकार नूं दित्ती सलाह, दस्सिया किवें पंजाब दे लोकां नूं मिलेगी सस्ती बिजली। पंजाब दे वख-वख मुद्दों नूं लै के सोशल मीडिया ते सरगर्म रहण वाले पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पंजाब सरकार नूं सलाह दित्ती है। उन्होंने ट्वीट जरिए कहा कि पंजाब सरकार नूं बिजली खरीद समझौते नूं पूरी तरह रद्द करन वास्ते नवां कानून बनाउण खातर 5 तों 7 दिनां दा विधानसभा इजलास बुलाउणा चाहीदा है। इस दे नाल उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया, जिस विच उन्होंने पंजाब सरकार लई होर कई अहम सुझाव दिते। उन्होंने लिखा, पंजाब सरकार नूं पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमिशन नूं तुरंत निर्देश लाजमी जारी करने चाहिए हैं कि प्राइवेट बिजली प्लांटां नूं अदा किए जा रहे टैरिफ नूं जनतक हितों विच घटाया जाए। फलस्वरूप यह बिजली खरीद समझौतों नूं बेअसर अते बेअर्थ कर देणगे। अगली खबर दोस्तों, लुधियाणा च बोले गुरनाम चडूनी, किसानों का सिर पाड़न का हुक्म देने वाले SDM ते होवे केस दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा के किसानों से होए लाठीचार्ज की सख्त निखेधी करदिया कहा कि उन्हां दी यूनियन हरियाणा सरकार तो मंग करती है कि SDM जिसने किसानों का सिर पाड़न का आदेश दिता सी उस विरुद्ध तुरंत केस दर्ज किया जाए ता जो अजिहे अधिकारियों नूं सबक मिल सके। चडूनी एतवार नूं MKD फ्रंट द्वारा आयोजित समागम विच हिस्सा लैण लई लुधियाणा पहुंचे सन। हरियाणा विच लाठीचार्ज दौरान लाठियां चलाउंदे एक पुलिस मुलाजम दे वीडियो दे सवाल उत्ते उन्हां कहा कि यह नौजवान हरियाणा विच JJP विधायक दा भतीजा है अते उस दे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करन लई सरकार नूं लिखणगे। दूजे पासे मनोहर सरकार दी तरफों लाठीचार्ज नूं जायज़ ठहराउण दे मुद्दे ते चडूनी ने कहा कि सरकार दा
संतुलन बिगड़ चुका है, उन्होंने समझ नहीं आ रहा की किया जाए। अगली खबर दोस्तों, अमृतसर राइस मिल्स एसोसिएशन वालों मिलिंग नीति का बाइकाट करने का ऐलान दिती है चेतावनी। अमृतसर राइस मिल्स एसोसिएशन जिस विच तरन तारण गुरदासपुर कपूरथला जलंधर अते पठानकोट के राइस मिलर शामिल ने आने वाले झोने के सीजन 2021-22 की मिलिंग नीति बारे किए जाने वाले बदलाव का बाइकाट करने का ऐलान किया है। उन्होंने बाइकाट का ऐलान करदे कहा कि यह मिलिंग नीति चावल इंडस्ट्री के लिए घाटे का सौदा है जिसनों किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संजी हुण तक दी ताज़ तरीन ते मुख खबर होर खबर जानने लई चैनल नूं सबसक्राइब करो और वीडियो अपने दोस्तों के परिवार नाल शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।